हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं रतलामी जायका में बना रही हूँ तिल गुड़ की गजक। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि मुंह में जाते ही खुल जाए। इसे सिर्फ तिल और गुड़ से बनाएंगे, ना इसमें मावा डालेंगे और ना ही मिल्क मेड। आपको मैं दो तरह से बताऊंगी, एक बिना चाशनी वाली और दूसरी चाशनी वाली। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी वाली गजक। ये मैंने एक कटोरी तिल ली है। जितनी मैंने तिल ली है उतना ही मैंने गुड़ लिया है, मतलब मैंने दोनों चीज बराबर ली है। मतलब आप कोई भी एक मेजरमेंट बना ले, जिस कटोरी से आप तिल ले रहे हैं उसी कटोरी से गुड़ लें। तो सबसे पहले हम तिल को सेक लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे और हमें तिल को 5 मिनट तक सेकना है। आपको इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, अगर ज़्यादा सेकेंगे तो गजक में कड़वापन आ जाएगा। हम बस इसे इतना सेकेंगे कि जो तिल्ली का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, तिल सीक चुकी है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, मतलब हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे। पेन में आधा बाउल पानी डालेंगे और उसी बाउल से एक बाउल गुड़ डालेंगे, मतलब जितना गुड़ लिया है उसी का आधा पानी डालेंगे। गुड़ के आप इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लें। अगर आप इसके बड़े पीस रखेंगे तो गुड़ को पिघलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इसे बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहें। चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो एक कटोरी में पानी लेकर इसमें थोड़ी सी हम चाशनी डालकर देखेंगे। तो देखिए, ये चाशनी अभी पूरी तरह से पानी में घुल रही है, मतलब अभी चाशनी हमें और पकाना है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी इसमें चाशनी डालते हैं और देखिए ये इकट्ठी हो रही है, मतलब चाशनी पक चुकी है। ये थोड़ी सी नरम सी गोली बन गई है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतनी ही पकाना है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे और अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसकी कड़क चाशनी ले लेंगे तो ये जैसे ही आप तेल डालेंगे तो इसमें ही ये जम जाएगी। तो हमें थोड़ी सी इस तरह से पतली ही रखना है। और अब हम इसे थाली में डाल देंगे। जितना जल्दी हो सके हम इसे थाली में जमा देंगे। तो इसे जल्दी से फैला देते हैं क्योंकि ये ठंडी होने के बाद फैलेगी नहीं। जितना पतला हो सके आप उतना पतला इसे जमाएं। इसे हम पंखे के नीचे 2 घंटे रखकर अच्छी तरह से सुखा लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से ये सूख गई है। इसे हम निकाल लेते हैं। इसको हम तोड़ लेंगे ताकि इसको पीसने में आसानी हो। तो इस तरह से हम छोटे छोटे इसके पीस कर लेंगे। जार में डालेंगे, आपका जितना बड़ा जार हो आप इसमें उतना ही डालें। आप इसे 2 बार में भी पीस सकते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से पीस लिया है और आप हाथ से इस तरह से मुठिया बनाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी गरम करके डाल सकते हैं। ये मैंने पॉट में बटर पेपर लगाया है ताकि जब हम गजक निकालें तो वह आसानी से निकल जाए। अब हम इसे चम्मच से इस तरह से दबा देंगे। अच्छी तरह से हमें इसे दबाना है, या फिर आपके पास सब्जी मैश करने का है तो उसे इस तरह से दबा दें। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम गजक को काटेंगे तो वो एक जैसी चमेगी और बिखरेगी नहीं। ऊपर से कटी हुई पिस्ता और बादाम डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, गजक सेट हो गई है। आपको इसे रखना नहीं है, आप इसे तुरंत काट सकते हैं। अब हम इसे चाकू से काट लेंगे।
आप इसे मनचाहे शेप में भी काट सकते हैं। ये देखिए गजक बनकर तैयार हो गई है और कितनी बढ़िया जमी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि बिना चाशनी के आप गजक कैसे बनाएं। सेम उसी तरह हम तिल को सेक लेंगे 5 मिनट। गुड़ को चाकू से इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। इसमें भी हमें 1 कप तिल लेना है और 1 कप गुड़। जार में सभी तिल को डाल देंगे और इसे हम एक बार पीस लेंगे। ये देखिए मैंने तिल को पीस लिया है और अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो ये मैं आधा गुड़ डाल रही हूँ अभी। और फ्लेवर के लिए इसमें हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए तिल और गुड़ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब जो इसमें बाकी बचा हुआ गुड़ है वो भी हम डाल देंगे और इसे एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है क्योंकि हमने गुड़ बारीक काटा है। अब हम इसे पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम आपको लो ही रखना है। इसमें बस हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप इसमें घी ज़्यादा डालेंगे तो घी का टेस्ट इसमें ज़्यादा आएगा। बस हम इसे गुड़ मेल्ट होने तक ही गर्म करेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट में गुड़ पिघल चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसे हम ट्रे में डालेंगे। आपको ठंडा नहीं करना है इसे, तुरंत आप इसे जमा दें। इसे भी हम ट्रे में एक जैसा जमा देंगे। बादाम पिस्ता डालकर चम्मच से इस तरह से अच्छे से दबा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए इसे भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है। आप इसे तुरंत काट सकते हैं। तो अब हम इसे काट लेंगे। आप इसे जैसा काटना चाहे वैसा काट सकते हैं। अगर छोटे पीस आपको करना है तो छोटे पीस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बिना चाशनी वाली गजक भी हमारी बहुत अच्छी बनी है।